दोस्तों, महाराष्ट्र से एक खबर सामने आ रही है। आप सभी इन्हें तो जानते ही होंगे। संजय राउत नाम है इनका, जिन्हें नॉटी नेता भी बहुत सारे लोगों द्वारा कहा जाता है। इन्होंने SSRN से, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के फैन से कुछ सवाल पूछे हैं, उनकी चुप्पी को देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत कहते हैं कि आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई, जब कंगना रनौत का ऑफिस टूटा आपने फिर भी आवाज उठाई, पर क्या आप लोग मोहन डेलकर को नजरअंदाज कर गए? क्या हुआ, उनके लिए सवाल खड़े नहीं करेंगे, उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? तो संजय राउत जी, आवाज तो बहुत लोग उठा रहे हैं और आप आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पूरा महाराष्ट्र ही सर पर उठा लिया था, जिनमें से एक अर्णब गोस्वामी है। हम वैसे तो आपको बहुत सारे नाम गिनवा सकते हैं, पर फिलहाल इनकी ही बात कर ली जाए। जब इन्होंने आवाज उठाई तो वो कौन लोग थे जो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने अर्णब गोस्वामी के ऊपर अटैक किया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने अर्णब गोस्वामी, उनके स्टाफ, उनके रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल पर 1000 से भी ज्यादा FIR करवा दी थी? तो संजय राउत जी, आवाज तो बहुत लोग अभी भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, पर क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करेगी? तो कहिए, हजारों की संख्या में सिर्फ मुंबई से ही लोग न्याय मांगने सड़कों पर आज ही निकल पड़ेंगे, और आप सिर्फ आवाज उठाने की बात करते हैं? लोग बिना न्याय के लिए अपने घर वापस तक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आप संजय राउत के इन सवालों का क्या जवाब देंगे, कमेंट में आप भी जरूर बताएं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।